हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंफॉर्मेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी को मिलती है फुल्ली एक्सेसिबल टॉक बैक के साथ टेक्नोलॉजी जॉब अलर्ट से संबंधित नई नई अपडेट्स। इन नई अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और पास में बने बेल आइकन को प्रेस करके कीजिए ऑल पे सेट, ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो की सबसे पहले अपडेट। तो कंटिन्यू वॉचिंग इंफॉर्मेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड यूट्यूब चैनल। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ पर मैं लेके आया हूँ। इस खुशखबरी को आप सुन के उसके बाद उम्मीद करता हूँ कि आपके मन में एक जरूर नया उत्साह आएगा एग्ज़ाम देने को लेकर और एग्ज़ाम क्रैक करने को लेकर। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे एसएससी की। पूरी अपडेट दूंगा दोस्तों, एसएससी की तरफ से एक बहुत बिग अपडेट आई है हम सभी के लिए एग्जामिनेशंस को लेकर, ठीक है? तो पूरी अपडेट दूंगा, उसके लिए बस आपको करना क्या है, वीडियो के अंत तक बने रहना है, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है वीडियो को, ताकि आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छे से पता चल सके, ठीक है? उससे पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और नए हैं हमारे चैनल पर, तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है उसको ऑल पे जरूर सेट कर लीजिएगा। ऐसा दोस्तों मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पर हमारे जो चैनल पे जॉब से रिलेटेड अपडेट हमेशा पल पल की दी जाती है। मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट की हो, ठीक है? उसमें राइटर गाइडलाइन कौन सी लागू होगी, उसका जो एग्ज़ाम है वो कब होगा, और उसमें जो सीट्स हैं विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों के लिए, कौन से राज्य में कौन से डिपार्टमेंट में कितनी दी गई हैं, लाइक एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डीआरडीओ, ईएसआईसी, जितनी भी वैकेंसीज आती है सभी की डिटेल नोटिफिकेशन चैनल पे वीडियो के माध्यम से आप सभी को अपडेट के द्वारा बताया जाता है, ठीक है? तो इसके लिए बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ बने रहें, ताकि आपसे कोई भी जॉब अलर्ट अपडेट मिस ना हो या और कोई टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो मिस ना हो, ठीक है? वीडियो पसंद आए तो दोस्तों एक लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाना मत भूलिएगा। अपने भाई को सपोर्ट कीजिए वीडियो को लाइक करके, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं क्या हम आपके लिए यहाँ पे अपडेट लाए हैं। तो दोस्तों, एसएससी के द्वारा 2022-2023 का यहाँ पे कैलेंडर रिलीज़ कर दिया गया है दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आने वाले टाइम में दोस्तों बहुत ही जल्द, जैसा कि एक वीडियो में मैंने पहले भी बताया था आपको, कि एसएससी ने अनाउंस किया है कि 70,000 जो वैकेंसीज हैं यहाँ पे वो एसएससी के द्वारा निकाली जाएंगी, तो उसका जो प्रूफ है वो हमारे सामने दिखता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है? तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं दोस्तों, ऊपर आई बटन पर लिंक दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है। इस वीडियो का फर्स्ट कमेंट को खोलेंगे, वहाँ भी उस वीडियो का लिंक दे दिया है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, नहीं तो चैनल पर जाके देख ही सकते हैं, ठीक है? जो मैंने एसएससी 70,000 प्लस की जो वैकेंसीज का अपडेट दिया था, ठीक है? तो अब मैं बता दूं दोस्तों आपको, एसएससी के द्वारा जो कैलेंडर यहाँ पर रिलीज़ किया गया दोस्तों, उसमें जो एग्जामिनेशन आने वाले टाइम में होने वाले हैं 2022 से लेकर 2023 तक के, उसका पूरा अपडेट दे दिया गया दोस्तों। लाइक एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, इन तीनों ही पोस्टों में हमारे विजुअली इम्पेयर्ड ज़्यादा से ज़्यादा जाते हैं और पोस्टिंग भी पाते हैं, ठीक है? तो इन तीनों ही एग्जाम्स का मैं आपको यहाँ पे अपडेट बताऊंगा। कैलेंडर देखेंगे, वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड करूंगा आपके सामने, ऑफिशियल कैलेंडर यहाँ पे रिलीज़ किया गया है, कौन से एग्जामिनेशन का जो नोटिफिकेशन है वो कब आएगा, उसकी लास्ट डेट क्या रखी जाएगी, उसका जो एग्ज़ाम है वो कब होगा, तमाम जानकारी यहाँ पर बता दी गई है, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे हम चलते हैं एक बार और देख लेते हैं। होम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बॉय स्पेस। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ पे मैंने ssc.nic यहाँ पे ओपन कर दी है, एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे राइट स्वाइप करते करते आगे चलूंगा। देखिए दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज के आइकन पे जाके फिर से राइट स्वाइप करते करते आगे चलेंगे। देखिए जुलाई 6, ये 6 जुलाई का दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है यहाँ पे। 2022-23 देखिए, रिवाइज कैलेंडर फॉर एसएससी एग्जामिनेशन 2022-2023। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, आप जैसे ही दोस्तों इस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, ओपन विद में यहाँ पे ड्राइव में इसको ओपन कर लेंगे पीडीएफ को।
तो दोस्तों जो SSC का जो पूरा कैलेंडर है, यहाँ पे जितने भी एग्जामिनेशन आगे आने वाले टाइम में होने वाले हैं, उन सभी का जो ब्यौरा है यहाँ पे दिया गया है। चलिए पहले हम इस PDF को यहाँ पे रीड करते हैं, उसके बाद मैं आपको डिटेल में यहाँ पे एग्ज़ाम डेट्स के बारे में बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं, टच करते हैं, एक बार इसको पढ़ते हैं पूरे जो नोटिफिकेशन है यहाँ पे जो रिलीज़ किया गया कैलेंडर। एक चीज दोस्तों यहाँ पे क्लियर कर दूँ, ऊपर जो दो तीन एग्जामिनेशन है वो इसने पहले के बता रखे हैं, जो अभी SSC MTS का एग्जाम चल रहा है उसके बारे में, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। आगे जो लेटेस्ट 2022 का जो इन्होंने बताया है उस पर गौर कीजिएगा, ठीक है। Closing date month of exam 1 multitasking, non-technical, staff, and the welder, CPIC and CPN, examination 2021 tier I, CPE right parenthesis asterisk 22-3-2022-34-2022 July 2022 to selection post-examination, phase X, 2022 and selection post-LATIC examination. 2022 CPE asterisk 12-5-2022-13-6-2022 August 2022 3 recruitment of head constable, ministerial, and Delhi police examination 2022 CPE asterisk 17-5-2022-16-6-2022 October 2022 4 recruitment of constable, driver, in. Delhi Police Examination 2022 CPE asterisk 8-7-2022-29-7-2022 October 2022 5 Recruitment of Head Constable, AO/TPO, and Delhi Police Examination 2022 CPE asterisk 8-7-2022-29-7-2022 October 2022 6 Junior Hindi Translator, Junior Translator and Senior Hindi Translator Examination 2022 Paper I, CPE right parenthesis asterisk 27-2022-48-2022 October 2022 7 Sub-Inspector and Delhi Police and Central Armed Police Forces Examination 2022 Paper I, CPE right parenthesis asterisk 10-8-2022-38-2022 November 2022 8 Junior Engineer, Civil, Mechanical, Electrical, and Quantity Surveying and Contracts, Examination, 2022 Paper I, CPE right parenthesis asterisk 12-8-2022-29-2022 November 2022 9 Stenographer Grade C and D Examination, 2022 CPE asterisk 28-2022-59-2022 November 2022 10 Combined Graduate Level Examination, 2022 Tier I, CPE right parenthesis asterisk 10-9-2022-110-2022 December 2022 11 Scientific Assistant and IMD Examination, 2022 CPE asterisk 15-9-2022-310-2022 December 2022 12 Recruitment of MTS, Civilian, and Delhi Police Examination dash 2022 CPE asterisk 7-10-2022-31-10-2022 Jan February 2023 13 Combined Higher Secondary, 10+2, Level Examination, 2022 Tier I, CPE right parenthesis asterisk 5-11-2022-4-12-2022 February March, 2023 14 Constables, GD, and Central Armed Police Forces, CAPFs, SSF and Riflemen, GD, and Assam Rifles Examination, 2022. CPE asterisk 10-12-2022-19-1-2023 March April 2023 15 Multitasking, Non-Technical, Staff Examination, 2022 Tier I, CPE right parenthesis asterisk 25-1-2023-24-2023 April May 2023 16 Recruitment of Constable, Executive, Male/Female and Delhi Police Examination, 2022 CPE asterisk 23-2023-31-3-2023 April May 2023 Staff Selection Commission Tentative Calendar of Examinations for the year 2022-2023, as on July 6, 2022, asterisk CPE Computer-Based Examination. तो देखा दोस्तों आपने पूरा कैलेंडर हमने यहाँ पे अच्छे से पढ़ा, तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जामिनेशन दे रखे हैं, लेकिन जो हमारे काम के हैं, जो विजुअल इम्पेयर्ड के काम के हैं, वो सिर्फ यहाँ पे तीन हैं। कौन कौन से हैं? SSC MTS, SSC CGL, SSC CHSL। तो मैं तीनों के बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों जो SSC CGL है उसका जो नोटिफिकेशन आएगा दोस्तों वो आएगा 5 नवंबर 2022। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट करूँगा, उस जो SSC CGL का जो नोटिफिकेशन आएगा दोस्तों वो आएगा 10 सितंबर को। जी हाँ दोस्तों, 10 सितंबर 2022 को SSC CGL का नोटिफिकेशन आउट होगा और अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक इसका फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। और इसका जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों वो दिसंबर 2022 में ही होगा, ठीक है। यानी सितंबर में फॉर्म भरा जाएगा, अक्टूबर में लास्ट डेट रहेगी और दिसंबर में इसका टायर वन का जो एग्ज़ाम है ले लिया जाएगा, ठीक है, इसी साल के अंदर। तो ये तो रहा दोस्तों SSC CGL का, ठीक है। अब बात करते हैं SSC CHSL। तो SSC CHSL का दोस्तों 5 नवंबर को दोस्तों यहाँ पे इसके फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे, ठीक है। 4 दिसंबर दोस्तों इसकी लास्ट डेट यहाँ पे रहने वाली है और दोस्तों इसका जो एग्जामिनेशन होगा आपका वो फरवरी
मार्च में होगा, ठीक है, यानी अगले साल फरवरी मार्च में। तो दोस्तों जब भी इनके नोटिफिकेशंस आएंगे, उसका जो नोटिफिकेशन आउट होगा, वैकेंसीज की डिटेल होंगी, तो तमाम जानकारी आपको चैनल पे वीडियो के माध्यम से बताई जाएंगी, ठीक है, जब जब जिस जिस का भी नोटिफिकेशन आएगा। उसके बाद एसएससी एमटीएस की बात करें तो उसका दोस्तों 25 जनवरी 2023 को नोटिफिकेशन आउट होगा, 4 फरवरी 2023 को लास्ट डेट रहेगी, और अप्रैल और मई में उसका टायर वन का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों पूरा सिनेरियो यहाँ पर चलने वाला है एसएससी के रिगार्डिंग। तो जब भी जिस जिसका भी नोटिफिकेशन आउट होगा यहाँ पे, हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट करेंगे, कौन कौन से राज्य में कितनी कितनी वैकेंसीज दी गई हैं दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों को, वो भी बताएंगे, राइटर गाइडलाइन कौन सी लगेंगी इनमें वो भी बताएंगे आने वाले समय में। तो बस आपको करना क्या है, चैनल पे अगर आप पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस करें, और दोस्तों वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाना ना भूलें। दोस्तों अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक करके सपोर्ट दिखाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही था, मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।